तो ये है अपना प्यारा सा नैनीताल। अभी शाम हो चुका है, धूप निकला हुआ है, यहाँ धर्मशाला में शादी हो रहा है। तो यहाँ पराठे वाली गली में एक दुकान है, सामने रहा नैना देवी का टेम्पल। अभी मौसम अच्छा है, लोग मन्नत के लिए चुनरी बांधते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठ के कुछ टाइम बिताते भी हैं। क्या नाम बताया इसका? अभी थोड़ा बहुत दुकान लग रहा है, इधर ज्यादा घर है। हाँ, बोटिंग करनी है। 3 बज चुका है, अभी आधा एक घंटा तक घुमाएंगे। फोटो सब मैं खींचूंगा आपके आराम से। तो इसका अलग प्राइस होगा। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद सामने, पहले यहाँ कोई नहीं रहता। तो कभी मन नहीं होता यहाँ पहाड़ से निकल के बाहर जाए घूमने फिरने? यहाँ पे पहाड़ के ऊपर से हिमालय दिखता है। यहाँ पे ड्रेस वगैरह मिलता है। एक भाई साहब थे रूम के बगल में, मेंस में है, मेंस का है। यहाँ से मनाली के लिए बस है या मुझे हल्द्वानी जाना पड़ेगा? अभी चल के पता कर लेते हैं। इधर तलीताल मार्केट है, नैनीताल का नाइट का व्यू। अभी मार्केट बंद हो गया है यहाँ का, यहाँ पे तो काफी अंधेरा है। और इधर का देखिए, यहाँ पे किसी चीज का कमी तो महसूस नहीं होता होगा कभी? यहाँ कोई चीज कमी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज मेरा दूसरा दिन है नैनीताल में। कल हम लेक साइड की तरफ घूम ही रहे थे, तो घूमते घूमते बैटरी डाउन हो गया कैमरा का, तो हम आ गए रूम। तो चलिए अभी फ्रेश हुए हैं, कपड़ा वपड़ा चेंज किए हैं, नहाए हैं। पानी तो काफी ठंडा था, गर्म पानी मिला नहीं तो ठंडे पानी से नहा लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से, पहले कुछ नाश्ता करेंगे, नाश्ता भी नहीं किए हैं, उसके बाद घूमने के लिए निकलेंगे। और बाहर का कुछ ऐसा मौसम है, अभी धूप निकला हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इधर का व्यू। चलिए निकलते हैं, चलते हैं, कुछ नाश्ता करेंगे पहले, उसके बाद फिर चलेंगे नैना देवी का दर्शन करने। तो आज यहाँ धर्मशाला में शादी हो रहा है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं खाना खाने पहले। तो यहाँ पराठे वाली गली में एक दुकान है, जहाँ पे थोड़ा सस्ता खाना मिल जाता है और नाश्ता सब भी मिल जाता है। तो अभी हम यहीं आए हैं। भैया पराठे लगा दो, थोड़ा पराठे लगा दो, कोई सा भी लगा दो, अच्छा सा यार। चलिए अभी नाश्ता कर लिए हैं, अब चलते हैं नैना देवी टेम्पल। वो सामने नैना देवी का टेम्पल है, इधर मार्केट से होके चलते हैं। इधर पूरा कपड़ा ही कपड़ा है। तो ये सामने रहा नैना देवी का टेम्पल, चलिए अभी चलते हैं नैना देवी का दर्शन करते हैं। A few moments later. तो अभी हम नैना देवी का दर्शन करके आ गए हैं, चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं यहाँ का टेम्पल। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आइएगा, सामने हनुमान जी का एक मंदिर है और इधर लोग मन्नत के लिए चुनरी बांधते हैं। और ये माँ नैना देवी का टेम्पल है, इधर से देखिए, ये नैना देवी टेम्पल है। अंदर से तो नहीं दिखा सकते, बाहर से देख लीजिए। और ये भैरवी मंदिर है इधर, और कुछ इधर भी टेम्पल है। इधर एक ही टेम्पल में 3 गर्भगृह है, उधर तो माँ संतोषी मंदिर है, ये नवग्रह मंदिर है, और इधर राधा कृष्ण का है। तो यही कुछ यहाँ का दृश्य है, काफी अच्छा वाइब है इधर का, ये आप देखिए यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत वाइब है यहाँ का, एक अलग ही अनुभूति होता है यहाँ आने के बाद। थोड़ा साइड हो जाइए, यहाँ से देखिए ये कितना खूबसूरत लेक लगता है यहाँ से देखने में, और वो पहाड़ों में घर। अभी मौसम अच्छा है तो देखने में खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों में घर। उधर कुछ बोट वगैरह भी लगा है, कुछ देर यहाँ पे बिता लेते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ का वाइब काफी पॉजिटिव है, एकदम शांति है, लोग आ रहे हैं दर्शन करके जा रहे हैं शांति से, कुछ लोग यहाँ पे बैठ के कुछ टाइम बिताते भी हैं। तो इधर दशा अवतार मंदिर है, चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ पे तो हम नहीं गए थे, चलिए चलते हैं अभी। इधर 10 अवतार है भगवान विष्णु के, यहाँ पे शिव पार्वती अवतार, मत्स्य अवतार, कक्ष अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कालकी अवतार। ये तो शायद होने वाला है अवतार कालकी। काफी शांति है यहाँ पे, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है बाहर का, चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ से लेक का व्यू कुछ अलग ही दिखता है, और ये कुछ यहाँ से दृश्य दिखता है नैना देवी टेम्पल का। और ये भोले बाबा का शिवलिंग है यहाँ, चलिए निकलते हैं यहाँ से एक बार, और आप लोग देख लीजिए यहाँ का व्यू, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का दृश्य। काफी पीसफुल जगह है। क्या नाम बताया इसका? पाइन कोन। पाइन कोन,
तो ये पैन कौन है? जब हम कैंची धाम में थे तो जंगलों में घूमने गए थे तो ये काफी देखे थे, इसको पैन कौन बोलते हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू भैया बताने के लिए, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ये सब जंगलों का चीज ही है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसको आप सेल कर रहे हो ना। अभी ये मार्केट लगना शुरू हो गया है, अभी थोड़ा बहुत दुकान लग रहा है। इधर देखिए क्रिकेट ग्राउंड है, अभी मैच चल रहा है। और इसके बगल में देखिए ये पूरा कितना खूबसूरत व्यू देता है नैनीताल का। उधर कम घर है, इधर ज्यादा घर है, इधर भी बहुत कम घर है, इधर सिनेमा हॉल है शायद। चलिए यहाँ से निकल के चलते हैं हम उधर, 3 बज चुका है अभी। हाँ बोटिंग करनी है, कितना बताओ? कितने लोग? अकेले हैं भाई? 320 रुपए लगे। अरे भाई तो टिकट है भाई साहब सब तो यही बोलते हैं टिकट है भाई। अलाउड नहीं है बैठाना, मतलब अच्छा। 320 रुपए ज्यादा नहीं है भैया? और ट्रॉली से ऊपर जाओगे वो है आपको पार। यहाँ पे तो सरकारी प्राइस है, आधा एक घंटा तक घुमाएंगे। आपके भरोसे आए हैं बोट पे? तो चलिए ये एक बोट लिए हैं, ये भैया हमको घुमाएंगे अभी पूरा झील। अच्छा ये बड़े वाले बोटिंग का नहीं होता क्या? अच्छा तो इसका अलग प्राइस होगा, 500 रुपया। हाँ ठीक ही है, इसका 500, इसका 320, लोगों को तो झील घूमना है। इधर का ये व्यू देखिए आप झील का। उधर सामने अभी हम थे नैना देवी टेम्पल पे, यहाँ से बोट लिए हैं। यहाँ पे आप 2 आदमी रहिए 3 आदमी रहिए, एक बोट का 320 रुपए का टिकट लेना होगा आपको। मेनली लोग यहाँ पे आते हैं तो बोटिंग करते ही हैं। यहाँ पे जैकेट अगर नहीं पहने तो चालान कट जाता है बोट वाले के ऊपर। कितना का चालान काटते हैं? 5000 का। अच्छा ये बोट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो गवर्नमेंट करके देंगे ठीक आपको? हाँ वो तो इसमें तो कुछ नहीं नया। अच्छा इसका सारा कुछ आप गवर्नमेंट करते हैं, आपको बस घुमाना है, खाली बस चलाना है इसको। और कस्टमर आप जिसको ढूंढ के लाओगे वो आधा टिकट आप लिए उसी का आपको मिलेगा शाम को। जितने टिकट आपको होंगे उतने नंबरी। सही है भैया, हम नहीं चला सकते बोट, आपको नहीं चल पाएगी। अच्छा एक बात बताइए भैया, यहाँ पे उस तरफ तलीताल है और ये मलीताल है, तो यहाँ नैनीताल में छोटे छोटे जगहों का नाम रख दिया गया है। तलीताल इधर हो गया, तलीताल मलीताल दोनों को मिला के नैनीताल है। अच्छा अच्छा तलीताल और मलीताल को मिला के नैनीताल है। नैनीताल क्योंकि काफी लोग ना नैनीताल जानते हैं यहाँ के, उनको पता नहीं है कि तलीताल कहाँ है और मलीताल कहाँ है। मुझे खुद नहीं आइडिया था, जब यहाँ आए हम कल तो वहाँ पे एक अंकल जी थे वो बताए कि आप इस तरफ हो तो ये तलीताल हो गया, उस तरफ जाओगे तो वो मलीताल है जिधर नैना देवी का टेम्पल है। यहाँ पे पोल्यूशन तो मुझे लगता है बहुत कम होगा, बहुत कम। जितना पेड़ पौधा है यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलता होगा ना। आप लोग तो यहीं से हो? हाँ। बचपन यहीं गुजरा होगा आपका? तो कैसा होता है यहाँ पहाड़ों का जिंदगी? पहाड़ तो है, पहले यहाँ कोई नहीं रहता था। पहले यहाँ कोई नहीं रहता था? पहले अंग्रेज रहते थे, अब तो बहुत बस गए आगे। अच्छा टाइम कितना हो रहा है? टाइम 3:33 हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इस तरफ जो है बोट सब या उस तरफ तो वहाँ पर भी टिकट काउंटर लगा होगा या ये लोग अपने प्राइवेट चलाते हैं? काउंटर लगाए उनके यहाँ बोट, यहाँ इसके अंदर जितना भी चलता है बोट सारा सरकारी सरकारी साहब। यहाँ पे किसी चीज का कमी तो महसूस नहीं होता होगा कभी? यहाँ कोई चीज कमी नहीं मिलता है, सारे चीज मिलते हैं। थोड़े से महंगे हो गए लेकिन कुछ कुछ। हाँ महंगा होगा मगर मिलेगा सब कुछ। अच्छा यहाँ से जो ऊपर से एक्सलेटर लगा है क्या है, ट्रॉली लगा है ऊपर जाने का, ऊपर क्या है मार्केट है? कहाँ पे? वहाँ से हिमालय लगा है ना, हिमालय दिखता है, हिमालय हिमालय। तो अभी हम नैनी झील के बीचों बीच आ गए हैं, यहाँ से देखिए कुछ व्यू क्या खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अभी धूप निकला हुआ है तो लोग बोटिंग कर रहे हैं, वैसे शाम के समय भी करते हैं लेकिन उस टाइम थोड़ा सा ठंड होता है तो लोग कम करते हैं बोटिंग उस समय। ये फिर भी थोड़ा सा मार्केट टाइप पे है नैनीताल, बट वो कैंची धाम जो था ना वो थोड़ा सा मतलब एकदम पहाड़ी इलाका मार्केट से हट के था। हाँ मतलब उधर गए थे हम, वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं अभी। चलिए हम चलते हैं उस तरफ, झील के अंदर से बाहर का व्यू जो है वो अलग ही दिखता है। अच्छा ये पैर से चलाने वाले सबका क्या रेट होगा? इसका 420। इसका 420 एक घंटे के लिए खुद से चलाइए जहाँ जहाँ जाना है। उस पे कितने आदमी आ जाते हैं मैक्सिमम? 4। इस पे 3। यहाँ पहाड़ों में आने के बाद ना होठ बहुत ज्यादा सूख रहा है, आप लोगों का भी सूखता है? हाँ।
काफी ज्यादा नहीं ए, मेरा तो काफी सूख रहा है, ऐसे फटफट सा जा रहा है। कैसा जाता है ना, एक मिनट रुक जाओगे, थोड़ा सा पिक्चर ले लूँ एक दो यहीं से। कैसा फोन से ले लेते हैं। धूप चली गई। हाँ धूप चली गई, 4 बज गया। उस तरफ है धूप। हाँ ये हनुमान जी का मंदिर है ना। हाँ। यहाँ पे किस टाइम में सबसे ज्यादा ठंड पड़ता है? महीना पूरा। यहाँ पे दशहरा मेला लगता है? दशहरा मेला भारी लगता है। अच्छा भारी लगता है। हाँ। यहाँ नैना देवी टेम्पल में भी तो लगता होगा मेला। यहाँ पार्किंग है पूरा, उसमें लगता है। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद सामने, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है ना वो सामने। हाँ। यहाँ पे सब चीज है एक एक करके। सब चीज बचपन तो अच्छे गुजरे होंगे यहाँ पे भैया पहाड़ों में। बचपन की तो अलग ही बात है। कभी मन नहीं होता यहाँ पहाड़ों से निकल के बाहर जाएं घूमने फिरने? जाते हैं फैमिली के साथ। अभी जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार जाओगे? कभी हमारे बिहार भी आओ घूमने। हाँ, हमारे बिहार में भी कुछ कुछ जगह है। हाँ, वो है ना एक देवघर। अच्छा। देवघर आओ कभी। तो यहाँ नैना देवी के बारे में कुछ आपको पता है, यहाँ का कुछ कहानी किस्सा जो आपके पूर्वज आपको बताए हो कभी दादाजी लोग? क्या हमारे तो पैदाश भी नहीं थी तब की। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी आपके दादाजी लोग को या आपके पूर्वज को तो पता होंगे ना कुछ? नैना देवी की आग गिरी थी इसमें झील में। अच्छा अच्छा, अब नैना देवी नैनी झील रख दी, इसको नाम नैनी झील रख दी है और यहाँ पे नैना देवी का टेम्पल बना है। काफी पुराना टेम्पल होगा ये? बहुत पुराना है, यही सप्लाई है पीने के लिए। अच्छा पानी यहाँ से ही जाता है पीने के लिए? कहीं से नहीं। तो ये प्यूरिफाई होके जाता होगा ना घरों में? फिल्टर होके, फिल्टर होके जाता है घरों में। अभी शादी नहीं करी आपने? मैं नहीं भैया, मेरा शादी नहीं हुआ है। ऐसे लगता कैसे है आपको, देखने से लग रहा है शादी शुदा? नहीं नहीं, करना चाहिए शादी अभी। और क्या? नहीं भैया, अभी मैं तो कुछ भी नहीं कमाता हूँ, बेरोजगार हूँ। माँ बाप के ऊपर हो डिपेंड, कुछ कमा लूँ 4 पैसे हो जाए तो शादी तो सबको करना है। मेरी मम्मी बोलती है कि हर इंसान का एक शादी तो लिखा है। हाँ, एक तो होता। अब उसके ऊपर है वो करना चाहे या ना करना चाहे। हाँ। बट एक शादी लिखा है सबका, एक तो हो जाती है। मैं तो अकेले आ गया हूँ घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं काफी लोग मतलब किसी न किसी के साथ आए हैं। बात करने का आइडिया भी होता है, बात करने का बात भी अच्छी लग जाती है। हाँ ये भी है। झील घूम के तो हम आ गए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू भैया घुमाने के लिए झील। आऊं तो यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। पूरा झील का चक्कर लगाने का चार्ज 420 है और आधा झील का चक्कर लगाने का 320 है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, झील तो घूम के आ गए। अभी थोड़ा थोड़ा धूप खत्म भी हो रहा है, बस इस साइड धूप है, इधर तो खत्म हो गया है। यहाँ पे ड्रेस वगैरह मिलता है, आप ड्रेस लेके पिक्चर उक्चर क्लिक करवा सकते हैं यहाँ पे। अभी मार्केट लग चुका है यहाँ पे, चलिए चल के थोड़ा सा मार्केट में ट्राई करते हैं कुछ कुछ चीजों का दाम। और कोट सेल 350, कोट सेल 350। जेंस भी है भैया? ये जेंस है जो तुमने पकड़ा, ये वाला, ये वाला भी जेंस है, वाला भी जेंस है, वाला भी जेंस है, एक ये वाला जेंस है। यही सब कलर है उधर, लग जाएगा इसका कितना है? 750। बहुत ज्यादा नहीं है? फिर दिखाओ दिखाओ, एक मिनट देख लेते हैं। ये सब गर्म तो है ना? गर्म तो होगी। हाँ गर्म, वॉर्म कपड़ा है, बहुत वॉर्म होता है। मेंस में है? मेंस का है भैया। दिखाओ तो मेरे साइज में रहेगा। क्या रेंज के हैं? 950। ज्यादा नहीं है भाई? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं बता रहे भैया? 2 घंटे लग रहा है, कम करके बता रहे। बेल्ट है, बेल्ट भी देंगे आपको। ये मुझे बड़ा नहीं होगा? नहीं साइज है भाई आपका, शोल्डर होता है ना, अंदर मेन होता है। हाँ ये तो है, फिटिंग मेन होता भाई। तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ कुछ कपड़ा पसंद आया है, लेकिन पहले चलते हैं एटीएम से कुछ कैश निकालते हैं। चलिए यहाँ से कुछ कैश निकाले हैं, अब चल के मार्केट से कुछ लेते हैं। कुछ कुछ कपड़ा मुझे अच्छा लगा गर्म, तो यहाँ से ले लेते हैं। लो भैया दे दो। चलिए यहाँ से निकल के चलते हैं, पहले रूम पे ये कपड़ा सब रख देंगे, उसके बाद चलेंगे इस पहाड़ के ऊपर में। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर से हिमालय दिखता है, तो ऊपर जाके देखेंगे कुछ इधर का व्यू। तो चलिए अभी कपड़ा तो रख दिए हैं हम रूम में। यहाँ पे सस्ता ही था कपड़ा मार्केट में, गर्म कपड़ा मुझे थोड़ा सस्ता लगा तो ले लिए हैं एक दो। अभी चलते हैं यहाँ से ट्रोली लेके ऊपर चलेंगे, समय तो 5:30 हो गया है। अभी ऊपर की तरफ धूप है, नीचे तो धूप खत्म हो गया है। भैया इधर ट्रोली कहाँ से है? ऊपर इधर से। थैंक यू भैया। शायद बंद हो गया है क्योंकि अभी जाते हुए देख भी नहीं रहे ट्रोली। चलिए ऊपर चल के पता कर लेते हैं। ट्रोली बंद हो गया है भैया? कितने बजे बंद हो जाता है? 5 बजे। अच्छा खुलता कितने बजे है?
सुबह 10 बजे। चलिए अभी ट्रॉली तो बंद हो गया है, सोचे थे ट्रॉली से ऊपर जाएंगे बट थोड़ा सा रूम पे बैठ गए। एक भाई साहब थे रूम के बगल में, उनको चार्ज करना था फोन, तो वो बोले कुछ देर हमको चार्ज करने दीजिए, उसके रूम का बोर्ड खराब था, उसी के चक्कर में रुक गए। कुछ इधर का ही देखते हैं व्यू, हुआ तो कल चलेंगे ट्रॉली से ऊपर। सोचे थे कि ट्रॉली से ऊपर का व्यू देखेंगे, मुझे पता नहीं था कि 5 बजे बंद हो जाता है। चलिए यहाँ का मार्केट ही थोड़ा बहुत घूमेंगे, यहाँ से टिकट लेना होता है, कोई टोटो का टिकट लेते हैं फिर चलते हैं तालीताल की तरफ। अच्छा एक बात बताइए अंकल जी, ये रिक्शा बिना टिकट के नहीं जाते है? कोई भी नहीं इधर से, कोई भी नहीं। अकेले हैं? अकेले हो? 10 रुपए दो, इतने पैसे क्यों दे रहे हो? आज खराब, अरे मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, चलिए टिकट ले लिए, अब चलते हैं तालीताल के तरफ। कोई नहीं, संभालेंगे ये भी ना बड़ा होके। चलिए इस तरफ आ गए हैं, अब चल के बस स्टैंड में थोड़ा सा पता कर लेते हैं बस का कि यहाँ से मनाली के लिए बस है या मुझे हल्द्वानी जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे बोट वोट चलना थोड़ा सा कम हो गया है, धूप खत्म हो गया है तो अब थोड़े बहुत ही बोट चल रहे हैं अंदर में। जब धूप रहता है तो थोड़ा सा ज्यादा बोट चलता है, यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं ज्यादा झील के अंदर। तो ये तालीताल का मेन चौराहा है, यहाँ से उधर की तरफ भी रास्ता है और इधर की तरफ भी है। इधर तालीताल मार्केट है और ये मेन रास्ता है बस स्टैंड जाने का। अभी चल के पता कर लेते हैं बस का, सामने बस स्टैंड है। यहाँ से मनाली के लिए बस है? नहीं भैया, हरिद्वार था, वहाँ से मिलेगी। हरिद्वार से? तो यहाँ पे तो बताए कि यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है, यहाँ से हरिद्वार जाना होगा, फिर हरिद्वार से बस है मनाली के लिए। चलिए अभी देखते हैं, रात भर है हमारे पास, प्लान करते हैं अगर हुआ तो हरिद्वार निकल लेंगे यहाँ से और फिर वहाँ से चलेंगे मनाली। चलिए चलते हैं थोड़ा बहुत और घूमते हैं। ये व्यू देखिए नैनीताल का, यहाँ देखिए झील के अंदर कितना मछली है। लेकिन ये मछली मारना अलाउड नहीं है, साल में एक दो बार ही यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ही मछली यहाँ पे मारा जाता है। उधर सामने देखिए एक रेड मछली, सारे मछलियों के बीच में वो रेड मछली ऐसे लग रहा है जैसे रानी हो। इधर देखिए अभी एक व्हाइट मछली। चलिए यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से कुछ देखिए व्यू। तो ये है अपना प्यारा सा नैनीताल। अभी शाम हो चुका है तो थोड़ा सा ठंड लग रहा है, अभी तो पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं है, बाकी वाइब अच्छा है यहाँ का। अब थोड़ा बहुत लाइट वाइट जलना शुरू हो गया है घरों में। यहाँ पे काफी दुकान सब है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज का दुकान नहीं है नैनीताल में, ये एक अच्छा खासा मार्केट है, यहाँ पे हर चीज मिल जाएगा आपको जरूरत का। चलिए किसी सही जगह चलते हैं हम, वहाँ से फिर दिखलाएंगे आपको नैनीताल का नाइट का व्यू, उसके बाद चलेंगे रूम पे। यहाँ से इधर का कुछ ऐसा व्यू है, ऊपर का देखिए यहाँ से व्यू। अभी मार्केट बंद हो गया है यहाँ का, काफी रात हो गया है ना इसके वजह से, और ठंड भी है। इधर ये छोटा सा पार्क है, अंधेरा हो गया है यहाँ पे तो काफी अंधेरा है। चलिए यहाँ से हम दिखलाते हैं आपको व्यू। ये देखिए कुछ यहाँ का व्यू, वो देखिए पहाड़ों में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे। चलिए चलते हैं रूम पे, रूम पर से भी कुछ अच्छा व्यू दिखता है तो वहाँ से दिखलाएंगे। तो ये मेरा धर्मशाला है आर्य समाज का, यहीं पे हम स्टे किए हैं, यहाँ से कुछ ले लेते हैं रात को खाने के लिए। तो फाइनली अभी हम अपने रूम पे आ गए हैं, चलिए आपको दिखलाते हैं यहाँ से कुछ बाहर का व्यू। क्या स्टार की तरह लग रहा है ना पहाड़ों में ये लाइट, ये सारे होटल या घर है जिसमें लाइट जल रहा है, लेकिन यहाँ से देखने में लग रहा है जैसे आसमान में स्टार हो। इधर तो थोड़ा कम भी है, आपको हम इस तरफ दिखलाते हैं। ये सामने चर्च है और इधर का देखिए लग रहा है ना पूरे आसमान में स्टार है जैसे। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नैनीताल के इस वीडियो में हम आप लोगों को नैनीताल दिखलाए, यहाँ पे नैना देवी का टेम्पल भी गए थे, झील भी घूमे। एक चीज रह गया कि ऊपर से हम उधर का व्यू नहीं देख पाए, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिल जाएगा जब हम कल यहाँ से निकलेंगे, तो वो देखने के बाद यहाँ से जाएंगे। अभी कपड़ा उपड़ा बिखरा हुआ है, कुछ मार्केट से कपड़ा उपड़ा लिए, वो सब भी लाके यहीं पे रखे हैं, तो पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं फिर यहाँ से कल निकल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर पसंद आया हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो का। नहीं वो है मूवी चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। हाँ तो मेरे सामने बनी, आपके सामने बनी है यहाँ पे, तो वो मूवी का शूटिंग भी यहाँ हुआ था ना। कोई मिल गया, कोई मिल गया, वो सामने बनी। अच्छा कोई मिल गया का ऊपर में। तो वो नहीं जाना चाहते ना, रो रहे हैं ना, देखो कितना रो रहे हैं। अरे चोट लग जाएगी, गिर जाएगी, चोट लग जाएगा, ये परेशान कर रहा है ना। अपने साथ ही ले आना उसे, साथ में ले आना ना। हाँ वो रो रहा है, रुकेगा नहीं।
सर मैंने अभी एक उसको रिक्शे में जाना है।